100 आउट ऑफ 100 क्या ये पॉसिबल है 80 प्लस स्कोर कर सकते हो, एंड जो बच्चा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहता है वो 100 कैसे स्कोर कर सकता है? ओके, इनफैक्ट अमाउंट तक सेम है, तो आप देखो अगर आपने डू यू वॉन्ट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स और योर टारगेट इज टू स्कोर 80 एंड 90 इन अकाउंटेंसी इन CA फाउंडेशन June 23 एग्जामिनेशन में कभी ना कभी ये आ सकता है कि 100 आउट ऑफ 100 क्या ये पॉसिबल है? तो यस इट इज़ पॉसिबल. स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स एंड आपको CA फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए 200 मार्क्स चाहिए होता है. ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में 40 मार्क्स एंड एग्रीगेट 200 मार्क्स आना ही चाहिए. अकाउंट्स में लाइक 60s एबव अगर आप स्कोर कर लेते हो 80, 90, तो आपका जो एग्रीगेट में जो फंसने का जो डर रहता है वो क्लियर हो जाता है एंड आप इजीली 200 का जो एग्रीगेट है उसको आप क्रॉस कर लेते हो. ऐसे आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो या फिर आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हो. अगर आपका 80 प्लस का टारगेट है तो आप कैसे अचीव कर सकते हो मैं इस वीडियो में बताऊँगी, इसलिए इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. एक्चुअली आपका जो भी टारगेट हो 100 का हो या 80 का हो मैटर करता है वो प्रिपरेशन का, आप कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो. अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा रहता है तो आप इजीली मार्क्स अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो. बट आपका अगर प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे. तो इस वीडियो में बताऊंगी आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, कहाँ से करना है एंड कैसे आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हो एंड जो बच्चा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहता है वो 100 कैसे स्कोर कर सकता है. ओके, ये वाला इसमें मैं दो चीज़ बताऊंगी. सबसे पहला बात ये कि क्वेश्चन कहाँ से आता है. अगर आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आता है तो आप वहाँ लाइक वो वहीं से प्रिपरेशन करो तो आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो. ओके, सेकंड, बच्चे को उन्हें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है क्या ICAI मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं. तो इस बात का भी मैं प्रूफ दूँगी कि कितने मार्क्स का ICAI के मॉड्यूल से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए प्लीज़ इसको एंड तक देखना, डोंट स्किप अ सिंगल सेकेंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, डू सब्सक्राइब बिकॉज अपकमिंग वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप कैसे 15 मिनट्स को यूटिलाइज कर सकते हो जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है, 3 आवर्स एग्जाम हॉल में कैसे मैनेज करना है, 1.5 डेज स्ट्रैटेजी सब आने वाला है. इसलिए डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट करो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है एंड ये वीडियो कैसा लगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है कि क्या ICAI मॉड्यूल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में है या नहीं, तो मैं आपको एक चैप्टर जो कंसाइनमेंट चैप्टर वो ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट पूछा गया है तो मैं उसका एग्जांपल दे के बोल रही हूँ कि किस अटेम्प्ट में ICAI के मॉड्यूल से कौन सा इलस्ट्रेशन दिया गया. ओके, एंड चैप्टर का बताना पाना थोड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, इसलिए मैं जो कंसाइनमेंट चैप्टर जिसका वेटेज 10 मार्क्स का है एंड ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में पूछा गया है तो वो जो कंसाइनमेंट क्वेश्चन है क्या वो ICAI मॉड्यूल से आता है या नहीं आता है तो वो बताऊंगी. एंड देन जो आपका रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है CA फाउंडेशन का December 22 का, उसमें जो अकाउंट्स का पेपर था उसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन ICAI मॉड्यूल से पूछा गया है वो बताऊंगी. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट से. तो आपका एग्ज़ाम फाउंडेशन का एग्ज़ाम मई 18 से स्टार्ट हुआ है. ओके, तो मई 18 में जो कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है वो आपके पास अगर लाइक क्वेश्चन पेपर का हार्ड कॉपी है तो आप वो एंड ICAI मॉड्यूल को खोल के बैठ जाओ एंड आप क्रॉस चेक कर सकते हो. अगर आपके पास नहीं है तो आप ICAI मॉड्यूल में लिख लो कि कौन सा इलस्ट्रेशन कौन से ईयर में पूछा गया. ओके, एंड जब हम लोग December 22 का भी क्रॉस चेक करेंगे तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हो ताकि जब आप प्रिपरेशन करो तो आपके माइंड में रहे कि हाँ ICAI मॉड्यूल से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है एंड कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है. ओके, सो कंसाइनमेंट में मई 2018 में इलस्ट्रेशन नंबर 7 पूछा गया था. सेम क्वेश्चन, मतलब ये नहीं होता कि सेम एकदम पूरा कॉपी पेस्ट हो, ऐसा नहीं होता, बस थोड़ा सा अमाउंट एंड नेम चेंज करता है. ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है, सिर्फ अमाउंट एंड नेम चेंज रहता है. ओके, तो मई 18 में इलस्ट्रेशन नंबर 7 पूछा गया था कंसाइनमेंट में. नवंबर 18 का क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं मिला मुझे एंड मई 19 में कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. एंड देन नवंबर 19 में इलस्ट्रेशन नंबर 8 कॉपी पेस्ट, एकदम कॉपी पेस्ट है. ओके, दिसंबर 20 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर जो बैक क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 3, जनवरी 21 में इलस्ट्रेशन नंबर 6, देन जुलाई 21 में
इलस्ट्रेशन नंबर 4। देन दिसंबर 21 में कोई क्वेश्चन नहीं था कंसाइनमेंट का, बट मे 22 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 एंड अगेन दिसंबर 22 में कोई क्वेश्चन नहीं था। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी 10 अटेम्प्ट हुआ उसमें सिर्फ 3 अटेम्प्ट ऐसे थे जिसमें कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, उसके प्लेस पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर डिप्रिशिएशन दिया हुआ था। बट इन 7 अटेम्प्ट क्वेश्चन आया है कंसाइनमेंट चैप्टर से, एंड वो जितने भी 7 अटेम्प्ट में से कोई भी अटेम्प्ट में क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। बस एक नवंबर 19 में लाइक अलग क्वेश्चन था जो मुझे मॉड्यूल में नहीं मिला, बाकी ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट तो सब है ही आपका, बट जो कॉपी पेस्ट जो क्वेश्चन है वो 7 अटेम्प्ट में से सिर्फ 6 अटेम्प्ट में पूछा गया, सिर्फ एक अटेम्प्ट का क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, बाकी पूरा 6 अटेम्प्ट का क्वेश्चन ICI मॉड्यूल से आया हुआ है एंड 3 अटेम्प्ट में कंसाइनमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इन शॉर्ट टोटल 10 अटेम्प्ट हुए जिसमें से 6 अटेम्प्ट में क्वेश्चन ICI मॉड्यूल से आया है, सिर्फ एक ऐसा अटेम्प्ट था जो बहुत पहले नवंबर 2018 में था, वो क्वेश्चन मुझे नहीं मिला एंड 3 अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया। तो आपको समझ में आ गया कि ICI मॉड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ICI मॉड्यूल का ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन आप कर लेते हो तो आपका जो टारगेट है इजली कम्प्लीट जाएगा। चलो इसका एक और प्रूफ देती हूँ कि जो रिसेंट एग्जाम हुआ है दिसंबर 22 का, उसका क्वेश्चन का कितने मार्क्स का क्वेश्चन ICI मॉड्यूल से पूछा गया। ओके, ट्रस्ट मी, ये तो सिर्फ एक दिसंबर 22 का एक एग्जाम्पल है, ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में अप्रॉक्स उतने मार्क्स का क्वेश्चन मॉड्यूल से आता ही आता है। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं दिसंबर 22 का ले रही हूँ, तो चलो देखते हैं। नाउ सबसे पहला है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो ट्रू फॉल्स से स्टार्ट करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 1 मुझे मॉड्यूल में नहीं मिला, अगर आपको कभी बाद में मिले तो आप कमेंट कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इन्वेंट्री चैप्टर से आया था, ट्रू फॉल्स का बता रही हूँ मैं। एंड टू ये इन्वेंट्री चैप्टर का जो ट्रू फॉल्स दिया उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल अकाउंट से आया है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 12। 4 नंबर जो वो रेक्टिफिकेशन चैप्टर से आया है, क्वेश्चन नंबर 10 ट्रू फॉल्स सेम टू सेम है। और आप करके गए होंगे तो यहाँ पे आपका रीज़न तो आप लिख ही लिए होंगे, तो आपका यहाँ पे टोटल 6 मार्क्स सिक्योर हो गया। ओके, देखो ना अब बात करते हैं 1 का भी। और आपने मेरे लास्ट वीडियोस को देखा होगा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, तो उसमें बताया होगा मैंने कि जो ये प्रोविजन कंटिजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आते ही आते क्वेश्चन है। तो अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो आप इजिली इसको लिख लिए होंगे, एंड अगर आपने थ्योरी को अच्छे से किया होगा, ये तो प्रोविजन एंड कंटिजेंट का जो है ये देखो बैक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो यूनिट जो है जिसमें कंटिजेंट लाइबिलिटी है सेम टू सेम क्वेश्चन है ये वाला। ओके, यहाँ पे आपका 4 मार्क्स सिक्योर हो गया है। ना अब बात करते हैं 1 का सी जो कि डिप्रिशिएशन चैप्टर से आया है। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस को देखा होगा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट बताया था डिप्रिशिएशन का इलस्ट्रेशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें मैंने बताया था कि चेंज इन मेथड का जो डिप्रिशिएशन में जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखो इससे क्वेश्चन आया है, अगर आपने फॉलो किया होगा मेरे वीडियोस को तो इजीली आप कर लिए होंगे, तो यहाँ पे आपका 4 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं 2 का ए। 2 का ए था BRS। BRS कोई भी ऐसा सेम इलस्ट्रेशन पिक करके ICI नहीं दिया है, ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन से एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन उठा के देन वो एक यहाँ पे क्वेश्चन बनाया था। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने BRS के ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन को अच्छे से प्रैक्टिस किया था तो आप इजिली कर लिए होंगे। तो मैंने देखा कि ईच एंड एवरी जितने भी क्वेश्चन है एक 1, 2, 3, 4 सारे कोई ना कोई इलस्ट्रेशन से पिक किया गया था। ओके, तो यहाँ पे आपका 10 मार्क्स सिक्योर हो जाता है अगर आपने ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन को अच्छे से किया होगा। सेम एज विथ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का भी कोई भी इलस्ट्रेशन उठा के नहीं दिया है, यहाँ भी ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन से एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट उठा के देन एक न्यू क्वेश्चन वो लोग मर्ज करके बनाया। ओके, ना अब बात करते हैं 3 का ए, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मुझे सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं मिला, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो है ना 50 पैसा इंसॉल्वेंसी वाला वो इलस्ट्रेशन 8 एंड 9 देखो सेम टू सेम वही है, वही इंसॉल्वेंसी वाला वहाँ पे भी बताया गया है। और आपने उस इलस्ट्रेशन को किया होगा तो आपका यहाँ पर आराम से 15 मार्क्स सिक्योर हो गया होगा, है ना। ना अब बात करते हैं 3 का बीट अकाउंट करंट। यहाँ भी मुझे सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं मिला, बट यस इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड 7 सेम वही कॉन्सेप्ट पर जो इनवॉइस डेट दिया हुआ है, अगर आपने अच्छे से किया होगा इलस्ट्रेशन को तो यहाँ पे भी आपका आराम से 5 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। ना अब बात करते हैं 4 का ए जो है पार्टनरशिप से एडमिशन चैप्टर।
तो यहाँ पे देखो एडमिशन वाले यूनिट में जाके आप देखोगे तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर टेन सेम विथ अमाउंट आपका क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, सेम अमाउंट भी यहाँ तक, इनफैक्ट अमाउंट तक सेम है। तो आप देखो अगर आपने इलस्ट्रेशन अच्छे से किया होगा तो आप ईजिली 10 मार्क्स आपके आगे होंगे। ओके नाउ अब बात करते हैं एनपीओ फोर का बी भी देखो आप यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10 मॉड्यूल के वही है, बस थोड़ा अमाउंट एंड नेम चेंज। ओके बाकी सेम टू सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 10 मार्क्स सिक्योर हो गया है। अब बात करते हैं 5 का ए। यहाँ पे 5 का एक कैश बुक बनाने आया था, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इट्स सो सिंपल। यहाँ पे 11 के बच्चे को भी कैश बुक बनाना आता है ना। तो यहाँ पे अपने मॉड्यूल में जो कैश बुक दिया हुआ है, जो यूनिट है, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं मिला, बट इलस्ट्रेशन नंबर 3 सेम एज योर क्वेश्चन। ओके ना अब बात करते हैं 5 का बी। तो ये तो नॉर्मल पार्टनरशिप से है। और ना 5 का सी, ये देखो फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन है, ये आप फाइनल अकाउंट के चैप्टर में जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो सेम है, सिर्फ अमाउंट थोड़ा चेंज है एंड एक दो जो एडजस्टमेंट वो आगे पीछे किया हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट सेम टू सेम, बाकी एडजस्टमेंट थोड़ा आगे पीछे किया हुआ है। ओके ना अब बात करते हैं 6 नंबर। 6 का ए जो शेयर चैप्टर साइज इक्विटी शेयर से 15 मार्क्स का, गाइस 15 मार्क्स का आया हुआ। ओके ना ये भी ICI मॉड्यूल से ही आया है, आप इलस्ट्रेशन नंबर 15 में जाके देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओके अब मार्क्स कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। सो गाइस आपने देखा टोटल 100 एंड अबव 100 प्लस मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो ICI मॉड्यूल से पूछा गया है। तो जो बच्चे दिसंबर 22 में ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन मॉड्यूल का किया होगा वो इजिली 90 तो स्कोर कर ही लिए होगा। ओके तो आपको इस अटेम्प्ट के लिए भी सिर्फ ICI मॉड्यूल को ही फॉलो करना है, जितने इलस्ट्रेशन छोटे से छोटे बड़े से बड़े सारे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अच्छे से करके जाओ, आप इजिली 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। सो आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी मिलेगा कि आपको प्रिपरेशन कहाँ से करना है, सिर्फ ICI मॉड्यूल से करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है लाइक शॉर्ट फॉर्म करके, या फिर आप ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखो कि अगर कोई भी इलस्ट्रेशन आता है नेम या अमाउंट चेंज करके तो आप इजिली उसको लाइक आंसर लिख सको उसका। ओके सो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है डू कमेंट, एंड ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। And so that's all, and thanks for watching.